दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है। इतिहास में पहली बार आईसीसी इतना ज्यादा इनाम टीमों को देने वाली है। विजेता उपविजेता और सेमीफाइनल में खेलने वाली टीमें ही नहीं बल्कि टूर्नामेंट की हर एक टीम को इनामी राशि मिलेगी। जी हाँ, इसी के बारे में आप जान लीजिए कि जीतने वाली टीम को कितने करोड़ रुपए मिलेंगे और हारने वाली टीम को कितने करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं विकी क्रिकी, मैं हूं विकास गोट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों यूएसए और वेस्ट इंडीज में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत हो चुकी है। टी20 वर्ल्ड कप का ये 9वां सीजन है और आईसीसी ने इसकी प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है। 3 जून को आईसीसी ने प्राइज मनी का ऐलान किया है और इतिहास में पहली बार करीब 100 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर आईसीसी टीमों को देने वाली है। 1 से लेकर 20वें नंबर तक की टीम को इनाम मिलेगा। $11.25 मिलियन की इनामी राशि की घोषणा आईसीसी ने की है जो भारतीय मुद्रा में 93.5 करोड़ रुपए बैठती है। टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने वाली टीम को कितने करोड़ रुपए मिलेंगे? आईसीसी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसके मुताबिक $2.45 मिलियन इनामी राशि विजेता टीम के लिए है जो भारतीय मुद्रा में करीब 20 करोड़ और 36 लाख रुपए हो जाती है। वहीं उपविजेता को $1.28 मिलियन यानी कि 10 करोड़ और 63 लाख के आसपास की ये राशि हो जाती है भारतीय मुद्रा में। इतना ही नहीं, सेमीफाइनल जो हारेंगी टीम, सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम है तो फाइनल में पहुंच जाएंगी, जो उपविजेता और विजेता रहेंगी तो सेमीफाइनल में हारने वाली टीम के लिए आईसीसी ने क्या रखा है अब यहां वो जान लीजिए। तो सेमीफाइनल हारने वाली टीम को $7,87,500 यानी करीब 6.5 करोड़ रुपए हारने वाली टीम को जो सेमीफाइनल हारेगी उनको मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी इनामी राशि देखी जा रही है। वहीं सुपर एट में जो टीमें पहुंचेंगी उनको भी एक मोटी रकम आईसीसी से इनाम के तौर पर मिलने वाली है और ये रकम भी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। सुपर एट तक पहुंचने वाली टीम को $3,82,500 यानी करीब 3.25 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे जो 4 टीमें सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि सुपर एट की जो 8 टीमें होंगी उनमें से 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। 9वें से लेकर 12वें नंबर तक की टीम के लिए भी प्राइज मनी रखी है। ये प्राइज मनी है $2,47,500 यानी करीब 2 करोड़ रुपए आपको 9वें से 12वें नंबर तक पर रहने के लिए भी मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, 13 से 20वें नंबर तक की टीमों को भी इनाम मिलने वाला है और ये भी मोटा इनाम है। 13 से 20वें नंबर तक की टीम को $2,25,000 यानी करीब 1,87,00,000 रुपए 13 से और जो 20वें नंबर तक की टीमें होंगी उनको हर एक टीम को करीब करीब 1,87,00,000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। एक और इसमें एड ऑन है कि सेमीफाइनल और जो फाइनल जीतेंगे, मतलब आपने एक सेमीफाइनल जीत लिया तो उसके लिए आपको $31,154 यानी करीब 25,00,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, और अगर आपने फाइनल भी जीत लिया तो 25,00,000 और ऐड कर लीजिए, तो 25,00,000 और 25,00,000 50,00,000 ये और 20.36 करोड़ रुपए जो इनाम के मिलने वाले हैं विजेता टीम को, वो तो करीब 21 करोड़ रुपए इनामी राशि विजेता टीम के लिए इस बार रखी गई है। दोस्तों आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको इनामी राशि ये सही लगी ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।